उत्तराखंड के जोशी मठ में आई त्रासदी के बाद से ही देश दुनिया के वैज्ञानिक इसकी वजह और नुकसान का अनुमान लगाने में जुटे हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विवि के भू भौतिकी विभाग के वैज्ञानिक भी इसका कारण तलाश रहे हैं। जियोफिजिक्स विभाग के HOD प्रोफेसर BP सिंह का कहना है कि जोशी मठ की घटना की मुख्य वजह ये है कि हिमालय का पर्यावरण अस्थायी है, जोशी मठ के पास भी थ्रस्ट है। इन थ्रस्ट में रिएक्टिवेशन होता है और हिमालय बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम वाला है। इसके अलावा इंडियन प्लेट में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आगे भी जा रही है और यूरेशियन प्लेट नीचे दब भी रही है। इसकी वजह से फॉल्ट में रिएक्टिवेशन होता है और सिस्मिक एक्टिविटी भी पैदा होती है, जिससे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और घरों में दरार भी पड़ जाती है और डीप फ्रैक्चर हो जाता है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि जोशी मठ में घरों में दरारें पड़ने का एक और मुख्य कारण है कि वहां पर 100 साल पहले भूकंप आया था, उसका मलबा जमा हो गया था। उसी मलबे के ऊपर जोशी मठ बसा हुआ है और अब वह मलबा नीचे की तरफ धस रहा है। ये भी कारण एक माना जा सकता है कि घरों में आ रही दरारें उस मलबे के नीचे धंसने की वजह से आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।